तो आज हम ये पहला मैं वीडियो कर रही हूँ जिसमें अनबॉक्सिंग मैं दिखाऊंगी। अमेज़ॉन से मैंने कुछ केक बनाने के स्टफ करे थे, तो उसमें देखें इसमें क्या आया है। इसमें ये केक वाली स्टैंड आया है जो रिवॉल्विंग है, जब हम उस पर आइसिंग करते हैं तो गोल गोल उसको घुमा सकते हैं। तो उसके अंदर एक डब्बा और है, देखिए ये डब्बा मैं निकाल लेती हूँ। ये इस तरीके का है, ये अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया है। और अब इसके अंदर कैसा है खोल के अभी बताती हूँ। मैं निकालती हूँ, वाओ ये इस तरीके का है। ये देखिए, अब ये डब्बा मैं नीचे रख देती हूँ। ये इस तरह से ये रिवॉल्व होएगा, इसके ऊपर अपन रख देंगे और इस तरीके से हम पूरा गोल गोल घुमा सकते हैं। देखिए ये भी अमेज़ॉन से मंगाया था, और इसमें क्या आया है वो भी देख लेते हैं। ये भी केक के ही सामान है, इसमें अंदर भी एक बहुत अच्छी सी पैकिंग है। ये शायद इन्होंने फ्री दिया है, क्योंकि ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, शायद इसके संग फ्री मिला है। कुछ ना कुछ फ्री भी ज़रूर दे देते हैं। अब मैं इसको खोलती हूँ कि इसमें क्या आए हैं। वाओ, इसमें मेजरिंग स्पून्स हैं जो कि बहुत ज़रूरत होती है। केक पेस्ट्री जो भी हम बनाते हैं उसमें बराबर मेजरमेंट होना कोई भी बेकिंग चीज़ में बहुत ज़रूरी है। तो ये आए हैं, इसमें कई तरह के हैं, अलग अलग तरह के मेजरिंग स्पून्स हैं। एक तो कलर ही कितना ब्राइट है ना। ये कप्स वाले हैं, हर तरीके के मेजरिंग कप्स हैं। इसमें लिखा हुआ है ये 1/4 कप या 30 ग्राम्स के लिए है, ये वाला 60 ग्राम्स या 1/2 कप, ये वाला 2/3 कप और ये फुल कप। तो ये कप्स वाले हैं, और ये स्पून्स के मेजरमेंट्स हैं अलग अलग, जैसे ये 1/4 स्पून है, ये हाफ, और फिर ये 3/4 एंड देन फुल। तो इस तरीके से ये स्पून्स और ये मेजरिंग कप्स हैं। ये बहुत ही सुंदर सा कलर है, ऐसे आप टांग देंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा आपके उसमें। साथ में उन्होंने ये मुझे फ्री दिया है, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं था, आई थिंक इसके संग फ्री मिला है। अब इतने छोटे से और क्या हो पाएगा। जो जेस्ट वगैरह डालते हैं ना अपन, जैसे ऑरेंज जेस्ट डालना है या लेमन जेस्ट, उसमें काम आ जाएगा। और ये तो नॉर्मल पीलर है, चलिए ये भी काम देगा। तो ये सब आइटम्स जो हैं वो बेकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अभी सब यूज़ करेंगे हम, और फिर बताती हूँ, अच्छे ही हैं। चीज़ें और हैं, ये केक स्क्रैपर है, ये 2-3 तरह का इसमें है। जैसे जो अपन साइड में जब आइसिंग लगाते हैं तो उसको हम इसी वाले इस पर रख के और इसकी मदद से हम स्क्रैप कर सकते हैं। इससे ये जो कंघी जैसा है, इसके टूथ बने हुए हैं, महीन लाइंस भी हो सकती हैं। और ये इसको हम ऐसे घुमाते जाएंगे इस पर केक रख के, तो ये साइड्स का जो है ना वो बराबर हो सकता है, और ऊपर की जो आइसिंग है उसको इससे हम ये बराबर कर सकते हैं। तो ये इस तरह के ये स्क्रैपर्स भी दिए हुए हैं इसमें, तो ये भी मंगाए थे मैंने। ये सब हमारे केक का आइटम्स हैं। अब क्रिसमस टाइम है तो केक बनेगा। और एक ये, वैसे मुझे अच्छी तरह से आता तो नहीं है, फिर भी आई ट्राई। और ये मैंने मंगाया है, तो इसमें क्या है, इसमें आइसिंग बैग है और अलग अलग तरह के कई तरह के नोजल्स हैं। तो ये आइसिंग बैग इन्होंने दिया है, ये देखिए इस तरीके का ये पाइपिंग बैग है। ये रीयूजेबल है, इसको हम वॉश कर सकते हैं, और इसमें अलग अलग नोजल फिट हो सकता है। जैसे ये वाला तो बिल्कुल प्लेन ऐसे निकलेगा, वो नोज़ल है। ये देखिए इस तरीके का, इस शेप का भी निकल सकता है, स्टार जैसा हम बना सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह के ये 11, और एक ये लगा हुआ, यानी टोटल 12 नोज़ल्स हैं। तो ये सब आइटम हैं। अब चलिए, अब हम जब आपकी केक बनाएंगे क्रिसमस के लिए, तो अच्छा सा उस पर आइसिंग कर सकेंगे इन सब की मदद से, होप सो। देखिए कितना हो पाता है, लेकिन जो भी मटेरियल आया है, अब जब तक हम उसे यूज़ नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। तो फिर मैं बताती हूँ कि यूज़ कैसा रहा। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ठीक लगा होगा कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, तो मैं आगे भी ऐसे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।